सर हम लोग एक लड़की की शादी में मध्यस्थ थे, तो शादी जो है किसी कारण हम लोगों की टूट गई, पूरा गहना वहना बेच रहे हैं उनका। तो शुक्ला जी हम लोगों का दबाव बना रहे हैं कि जो RTGS वाला पैसा हमारा भट्ठा पार्टनरशिप का है उसको आप लोग दिलवाइए, तो इसीलिए हम लोग परेशान हैं साहब। हम लोगों की जान बच जाए, दोनों तरफ दबे जा रहे हैं। लड़की पक्ष वाले मुकदमा लिखा दिए हमारे ऊपर कि ये गुंडई कर रहे हैं, गुंडा टैक्स मांग रहे हैं। बैठो, बताइए, बैठे रहो, बताओ, बैठ कर क्या है इनका मामला? सर आप आप है राजेश पांडे और इनके इनके माध्यम से हुई थी। दो मध्यस्थ, ये भी मध्यस्थ है, यही थे, यही काम करते हो, शादी वादी कराते हो क्या? सर मध्यस्थ होना कोई खराब बात नहीं, शादी गांव में होती है, कोई ना कोई रहता है बीच में सर, मतलब करा देते हैं। कितनी शादी करा चुके? चार। सर आपने ये क्या अपराधी है? क्या अपराधी सर, इतना एप्लीकेशन सर इन्होंने दिया है मेरी बेटी के बारे में, सब 3 महीने से कर रहे हैं सर। इनका भी है रिकॉर्ड, इनका भी रिकॉर्ड है, देख लीजिए सर। कितना रिकॉर्ड है इनका? हमारे पास कोई FIR मिर्जा खाने में हो सर, हम 307 पहला एप्लीकेशन इन्होंने लूट का लिखाया, लूट का दिया सर। एक एक आदमी से पूछिए कब ये था, मेरे बेटी के हेलीकॉप्टर सर शादी में, मैं सिपाही था पुलिस में सर 17 साल, उसके बाद गांव का प्रधान हो गया सर 15 साल से मैं प्रधान हूँ। मेरी बेटी के शादी में हेलीकॉप्टर आया था, 1535 रुपये में दोनों का लूट लिया सर मैंने गाँव में। उस दिन पूरा दिन श्रीमान जी आगरा है, 4 तारीख 4 साल को मैं पूरा दिन माननीय सांसद रीता बहुरा जोशी के साथ 9 बजे से लेकर 11 बजे रात तक उनके घर से निकला सर। श्रीमान जी उस दिन का सीट याद नहीं आता, अगर जोशी हूँ तो मेरे हाँ, तो इन्हें गुंडा बता रहे, गुंडे तो तुम खुद हो, इतने सारे केस हैं तुम्हारे ऊपर सर। मेरा सब गांव का तो 3-4 मुकदमे गाँव के, गाँव में अकेला हूँ, बहुत पहले से लिखे सब मित्रा से, सब मित्रा से और ज़्यादातर कंप्रोमाइज हो गया सर। लड़की पक्ष के मध्यस्थ होना धर्मगुरु ज्योतिषाचार्य पंडित से समझौते से रजिस्टर नोटरी के माध्यम से लिखा पड़ी, मैं गाड़ी ये शादी छूट गई जी, ये लिखा पड़ी हुई है जी, लिखा पड़ी सर। ये इनको सर अगर ये मध्यस्थ होते तो उनके इनको क्यों नहीं बुलाया उन्होंने, ये सब लिखा पड़ी तो पूरा सर 76 लिखा दिए उनके लड़के को, लड़का विदेश जाने वाला था साहब, बैठे हैं हमारे पास है रिकॉर्ड। 376 कहाँ लिखा है? इसमें अगर हमारा देखिए कोई मध्यस्थ अभी बोले आप कौन होते हो थाने पर, इंस्पेक्टर साहब का झगड़ा कर लिए थे, तो बोला हम हैं क्या भैया, तो वो बोले हम पावर आपको देते हैं आप बताइए सर को जाके। शुक्ला जी वो बड़े आदमी हैं सर, 51,000 मंदिर में दान देते हैं, बड़े बड़े चौकी में भी दान देते हैं, एक बार पढ़ लिया जाए, एक बार पढ़ लेते हैं ना सर, पढ़ ले हमारी बात होने तो फिर बताना है, हम बैठ जाते हैं। तो विवाद क्या रह गया जब शादी छूट गई, अब क्या विवाद रह गया? अभी इन्होंने FIR कर दिया, ये जो भी लिखते हैं सर, ये जो भी लिखते हैं इनके इनके कहने से हमारे ऊपर FIR हो गया, भागे भागे फिर रहे हैं सर। हम 4 साल से तब से परेशान हैं, देख लीजिए आपका पूरा डॉक्यूमेंट लगा है, कॉल कर रहा है इसकी कॉल कर रहा है जो सर, एक बार देख लीजिए। श्रीमान जी ये देखिए ये है, ये है इनकी चैटिंग, पार्टनरशिप की है, वही पार्टनरशिप का 31 लाख मांग रहे हैं, आप लोग दिलवाइए, इसीलिए हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इनको देना है कि नहीं देना है लिखकर दे दे, हम लोगों की जान बच जाए। ये तो ये FIR सही लिखाई है इसने इनके ऊपर, कौन आया, IO आया उसका? इन्हीं को सुनवाइए, CEO साहब को सुनवाइए। ले लीजिए सर, उसके बाद जब FIR हो गया तो हम भाग गए सर लखनऊ, कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, खड़े कोई FIR आटक मेजा हमारे खिलाफ नहीं है। चलिए अब देखते हैं जो होगा, देख आप देखते करेंगे, ये CEO के लिए लिख दीजिएगा, दोनों केसेस को देख कर मुझे बताएंगे क्या किया। और ये भी देख लीजिए जिस जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है इनके ऊपर गुंडा एक्ट या कुछ ना कुछ लगाइए, वैसे ही छुपे रहते हैं, जब एक दूसरे का बताते हैं तब पता चलता है। Thank you.
लगाइए ना गुंडा, जिला बदल कर दीजिए सर। कप्तान सत्या पंकज जी थे, कैंट थाने में बंद थे, ये तो ये करते ही रहेंगे, ये करते रहेंगे, आम आदमी को पता नहीं चलेगा तो क्या हो रहा है। अभी 1 करोड़ और मांग रहे हैं, दे दो तब हम सुलह हो जाएंगे। मेजा मांडाली के वहाँ हो गए। तो ये भी क्रिमिनल है, ये सबका इनका इलाज कीजिए, है आपके पास नहीं, एक तो वेरीफाई कर लीजिए सारा इनका, इनके तीनों की क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल के कीजिए इनके खिलाफ कार्रवाई।